और जिस तेजी से ये केस वायरल हो रहा है ना, मे बी जस्ट मे बी ये लोग पकड़े जाए। ये तो मलिक इजलाल है, खासी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है इसकी, सिस्टम कांट रियली टच देम। मैं इंसाफ चाहती हूँ और मैं आखिरी हद तक कोशिश करती रहूंगी कि इन दरिंदों को सजा मिल सके। ये मलिक इजलाल की हराम की कमाई का नतीजा है जिसकी बदौलत उसको इतनी जल्दी रिहाई मिल गई है। रस्साकशी का मुकाबला देखा है कभी? उसमें मुकाबल को अपने पैरों पर गिराने के लिए थोड़ा सा रस्सी को ढीला छोड़ना पड़ता है और फिर अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि इजलाल अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए रिहा हो जाएगा, जबकि वो सारा इल्ज़ाम ईशा और उसके भाई उमेर पर लगा देगा। ईशा को जब इजलाल की रिहाई का पता चलेगा तो वो हुकूमत वक्त से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएगी और वो अपने दिल में ये पुख्ता इरादा कर लेगी कि जब तक वो इजलाल को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाती, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। व्यूअर्स, ईशा सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए इजलाल पर वार करने की कोशिश करेगी और सोशल मीडिया पर ये बताएगी कि आज की हुकूमत पैसों पे बिकने वाली हुकूमत है, जिस तरह इजलाल ने पैसे देकर अपने आप को रिहा करवा लिया और उसके सारे इल्ज़ामात और सबूत झूठे करार पाए। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी, उसने मेरी जो बेइज्जती की है मैं उसका बदला उससे सूद समेत दूंगी। व्यूअर्स, इसके बाद ईशा इजलाल के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस दायर करेगी और अपने लिए लायर ढूंढना शुरू कर देगी, लेकिन वो जिस लायर को भी अपने अपोनेंट का नाम बताएगी कि मैं इजलाल के ख़िलाफ़ केस कर रही हूँ तो वो डर के मारे केस लड़ने से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो इजलाल के पॉलिटिकल पावर की वजह से अपना करियर ख़राब नहीं करना चाहते। इस वजह से कोई भी उसके लिए लड़ने को तैयार नहीं होगा। तमाम लायर्स के इस तरह इनकार करने पर ईशा बहुत ज़्यादा मायूस होकर एक साइड पर बैठ जाएगी। व्यूअर, शहजाद शेख जो कि इस ड्रामे में लायर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो जब ईशा को इस मायूसी की हालत में बैठा देखेंगे तो उसके पास आ जाएगा। वो ईशा से उसकी मायूसी की वजह पूछेगा तो ईशा उसे देखते ही कहेगी कि आपके बस की बात नहीं है, अगर मैंने अपने अपोनेंट का नाम बता दिया तो आप भी बाकी लायर्स की तरह भागकर यहां से चले जाएंगे। ईशा की इस बात पर वो उससे कहेगा कि मैंने ये पेशा इसीलिए इख्तियार किया है कि मैं मजलूमों का साथ दे सकूं और ज़ालिमों को उसके अंजाम तक पहुँचा सकूँ। उसकी इस बात पर ईशा उससे कहेगी कि क्या तुम मेरा केस मलिक इजलाल के ख़िलाफ़ लड़ सकते हो, तो वो ईशा से कहेगा कि हाँ क्यों नहीं, मैं उसके ख़िलाफ़ केस लड़ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और इस तरह मलिक इजलाल को उसके अंजाम तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।